हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हर्ष केजड़। हाँ तो गाइस, रॉकिंग स्टार यश सर की अपकमिंग मच अवेटेड मूवी टॉक्सिक के लिए भाई सब कितना माहौल गरम देखने को मिल रहा, मतलब इतना ज्यादा हाइप, इतना रश देखने को मिल रहा, मैंने सोचा नहीं था। काफी लोगों के मैसेजेस आए, कमेंट आए कि हर्ष भाई, करीना कपूर मैम को आउट कर दिया गया है टॉक्सिक द मूवी के अंदर, उनके अलावा फिर किसे कास्ट किया गया है? अगर आपके पास कुछ लेटेस्ट अपडेट हो टॉक्सिक मूवी के बारे में तो आप हमारे साथ शेयर कर दें। और आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट होने वाला है रॉकिंग स्टार यश सर के फैन के लिए। मैं सब बता रहा हूँ क्योंकि मल्टीपल अपडेट है, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, जो कि नहीं करते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसी बैक टू बैक अपडेट लाते हैं किसके लिए, आप ही के लिए। तो चलिए जान लेते गाइस, टोटल 3 दिन हो गए, 3 दिन से भाई साहब ट्विटर पे टॉक्सिक मूवी भाई साहब ट्रेंड कर रहा है। कुछ कुछ अपडेट मतलब कि इतना अपडेट कि समझ ही नहीं आ रहा है। और जिस तरह से भाई साहब इस मूवी के लिए जितना पागलपन देखने को मिल रहा है, चाहे वो कास्ट की भागा दौड़ी क्यों ना हो, कोई लीड कास्ट का ही क्यों ना हो, कोई सपोर्टिंग कास्ट का क्यों ना हो, मैं करूंगा भाई साहब, पता नहीं कितनी भागा दौड़ी देखने को मिल रही है। तो गाइस अपडेट काफी बड़ी बड़ी निकल कर आ रही है, लेकिन जो लास्ट वाली अपडेट होगी ना, सच में गाइस आपको प्योर गूज़बम्प देने वाली है और आपको सोचने पर मजबूर करने वाली, कि इतने बड़े स्किल की मूवी और इतना खतरनाक काम काज कर रहे हैं डायरेक्टर गीतू मोहनदास मैम। तो गाइस जो लेटेस्ट भाई ऑफिशियल अपडेट जो निकल कर आ रही है टॉक्सिक द मूवी के बारे में, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो गाइस नयनतारा मैम ऑन बोर्ड हो गई हैं टॉक्सिक मूवी के अंदर। उनके कैरेक्टर का अभी पता नहीं चला है कि किस कैरेक्टर में देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर एक्सचेंज हुई है तो भाई सब आप लोगों को पता ही होगा। तो गाइस नयनतारा मैम ऑन बोर्ड कर दी गई हैं टॉक्सिक द मूवी के लिए। और भाई सब जानते तो है ना नयनतारा को, जो कि जवान मूवी के अंदर लीड एक्ट्रेस थी, हाँ लेडी सुपरस्टार, यानी कि नयनतारा मैम ऑन बोर्ड हो गई है टॉक्सिक मूवी के लिए। और करीना कपूर मैम का एक अलग ही सीन क्रिएट हो रहा था, ज्यादा ही पहलवान बन रही थी, ज्यादा ही वो हो रहा था, तो फिर क्या लेडीज लेडीज क्या चक्कर है, चल निकल यहां से, मतलब ऐसा वाला कामकाज हुआ है। तो भाई सब करीना कपूर मैम इस मूवी में काम करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने लीव कर दिया। अब क्या हुआ है क्या नहीं हुआ ये मैं नहीं जानता हूं, क्योंकि प्रॉपर तरीके से अपडेट नहीं आया इस बारे में कि उन्होंने क्यों लीव किया है शूट, ये वो सारी चीजें। तो भाई सब उन्होंने छोड़ दिया है, लेकिन नयनतारा मैम भाई सब कर रही हैं, ऑन बोर्ड हो गई हैं और कंफर्म कर दिया है कि नयनतारा मैम भाई साहब ज्वाइन कर दी गई हैं। फिल्म की शूटिंग हाल फिलहाल में बेंगलुरु, हाँ भाई साहब बेंगलुरु में चल रही है, जो कि कर्नाटका में आता है। तो भाई साहब ऐसा वाला कामकाज हुआ है, दूसरी कास्ट आ गई है, जो कास्ट काम करना चाहती थी वो इधर उधर हो गई है, और ऐसा वाला बेंगलुरु में करंट शूट चल रहा है। और गाइज मैंने आप लोगों को बताया था ना कि एक अपडेट शेयर करूंगा, जो कि आप लोगों को काफी बड़े सोचने पर मजबूर करने वाली है। तो गाइज अपडेट ऐसा निकल कर आ रहा है, सुनिएगा, अपडेट ऐसा निकल कर आ रहा है, मूवी की टीम ये प्लान कर रहे हैं, डायरेक्टर गीतू मोहनदास मैम ये प्लानिंग कर रहे हैं कि टॉक्सिक द मूवी टोटल 2 पार्ट में देखने को मिल सकती है। गाइस ये बहुत बड़ा अपडेट है रॉकिंग स्टार यश सर के फैन के लिए, टॉक्सिक द मूवी के फैन के लिए, क्योंकि गाइस ये इसका स्किल काफी बड़ा है, बिग बजट की मूवी होने वाली है, और फिर रॉकिंग स्टार यश सर होने वाले हैं, डायरेक्टर गीतू मोहनदास मैम होने वाले हैं, मतलब कि जो भी होगा काफी बाप लेवल पर होने वाला है। मतलब कि जब मैंने ये अपडेट देखा कि 2 पार्ट में रिलीज करेंगे डायरेक्टर मैम, तो मैं काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया कि यार अभी तो देखो, अभी तो काफी सारी चीजें रिवील नहीं हुई है, फिर भी यहां पर 2 पार्ट का कंफर्मेशन आता सा नजर आ रहा है। लेकिन जब फिर थिएटर में रिलीज होगा, जब पहला ही पार्ट होगा, और 2 पार्ट जब कंफर्म किए जाते, जब मूवी में काफी एडिशनल लेवल की चीजें होती हैं, तब ऐसा होता है, जब डायरेक्टर को कॉन्फिडेंट होता है, प्रोड्यूसर को कॉन्फिडेंट होता है, हमारी कहानी में हमारी स्टोरी में पोटेंशियल है, तो हम इसे 2-3 पार्ट में रिलीज करेंगे, लाइक KGF Chapter 1 and 2। तो भाई ऐसा माहौल क्रिएट हो रहा है कि 2 पार्ट में इसे रिलीज करने के प्लानिंग कर रहे हैं प्रोड्यूसर और डायरेक्टर गीतू मोहनदास मैम। बाकी आप लोगों को हमें बताना होगा क्या लगता है टॉक्सिक द मूवी के बारे में, करीना कपूर मैम के बारे में, टोटल 2 पार्ट में रिलीज हो सकती है, इसके बारे में क्या लगता है, अपने ओपिनियन कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि आपका भाई इंस्पायर्ड और मोटिवेट होता है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।